हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि सब बड़े होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे बिंग प्रिंस। तो अगर आपका बजट है 1.5 लाख से 2 लाख, मतलब आपका जो बाइक लेने का बजट है वो 1.5 लाख से 2 लाख है, ठीक है। और 2023 में आपको कौन कौन सी ऐसा बाइक है जो 1.5 लाख से 2 लाख तक, मतलब इसके अंदर कौन कौन सी बाइक आता है, वो सारे बाइक मैं मतलब इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है एक नया बाइक जो हाल ही में लॉन्च हुआ है हीरो की तरफ से, हीरो एक्सट्रीम 200S 4V। इसका जो इंजन है आपको 199.6 cc का इंजन आपको देखने को मिलेगा, और जो इसका BHP है पावर वो 18.8 BHP आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका जो कार्बोइड है 158 kg है, और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,44,700 है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे बाइक है दो नंबर पे, ये है रॉयल इनफील्ड हंटर 350। इसमें आपको 349.34 cc का इंजन देखने को मिलेगा, और माइलेज की बात करें तो ये 36 km/l देखने को मिलता है। और इसका जो BHP है 20.2 BHP आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो कर्व वेट है ये 177 kg है, ठीक है। और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है ये 1,49,900 ऑनवर्ड्स है। मैं सिर्फ एक्स शोरूम बताया जा रहा हूँ, ठीक है, ऑन रोड नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब ऑन रोड प्राइस हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा बहुत डिफरेंस तो होता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन जो एक्स शोरूम प्राइस है वो हर जगह पे सेम होता है, तो मैं इसलिए एक्स शोरूम प्राइस बताया जा रहा हूँ, ठीक है। ऑन रोड आपका जो लोकेशन है उसके हिसाब से आप देख लेना। तो हमारा नेक्स्ट जो बाइक है वो TVS की तरफ से है, TVS अपाची RTR 160। इसमें आपको 159.76 का जो CC है इंजन आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो माइलेज है बहुत ही बढ़िया माइलेज आपको देखने को मिलेगा, जो कि 61 km है, जो कि बहुत है, ठीक है। और इसका जो BHP है वो 15.82 का BHP आपको देखने को मिलेगा इसका पावर, और जो इसका वेट है वो 137 kg है, ठीक है। और इसका एक्स शोरूम प्राइस 1,20,320 ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट हमारा बाइक है रॉयल इनफील्ड के तरफ से, जो कि बुलेट 350। ये बाइक आपको 346 cc के मतलब cc में देखने को मिलेगा, और 19.1 BHP इसका पावर है, और इसका जो वेट है ये 191 kg, और इसके एक्स शोरूम प्राइस 1,50,999 ऑनवर्ड्स, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया बाइक है, पता है, इस प्राइस कैटेगरी में, अगर आपको मतलब अगर आपको रॉयल इनफील्ड पसंद हो तो, ठीक है। नेक्स्ट एक स्पोर्ट्स बाइक है जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत सी लोग ने इसको पसंद किया है, और इस बाइक का नाम है यामाहा R15 वर्जन 4, ठीक है। वर्जन 3 भी बहुत बढ़िया बाइक है, अभी ये वर्जन 4 भी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, और ये बाइक आपको 155 cc में देखने को मिलेगा, और इसका माइलेज जो है ये माइलेज भी बहुत सही देता है, और इसका माइलेज है 51 km ये कंपनी की तरफ से ये प्रोवाइड करता है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा कम होता है, लेकिन आसपास ही दिखा देता है, ठीक है। और इसका जो पावर है 18.1 BHP दिखाता है, मतलब सॉरी BHP का पावर है, और इसका जो वेट है वो 141 kg है, और इसके एक्शन प्राइस की बात करें तो ये 1,83,000 ऑनवर्ड्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो बाइक है वो KTM ड्यूक 200 है, ओके। ये बाइक आपको 199.5 cc देखने को मिलेगा, और इसका जो BHP मतलब पावर है ये 24.67 है, और इसका जो वेट है 159 kg है, और इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो ये 1,96,000 ऑनवर्ड्स है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है जो बजाज की तरफ से, बजाज पल्सर RS 200। ये बाइक भी बहुत बिका हुआ है, बहुत सारा लोग इसको पसंद किया है, और इसको चलाने भी मतलब अच्छा ही लगता है, मज़ा आता है, और इसको 4.7 रेटिंग मिला है। इसका सीसी की बात करें तो 199.5 cc का इंजन आपको देखने को मिलेगा, और 24.1 BHP का आपको जो पावर है इस बाइक में देखने को मिलेगा, और जो वेट है ये आपको 166 kg देखने को मिलेगा, और इसका एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो ये 1,78,000 ऑनवर्ड्स है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक रॉयल इनफील्ड है जो कि क्लासिक 350। ये असल में एक क्लासिक बाइक है, जो भी इस बाइक को मतलब एक बार चलाया वो इसको मतलब छोड़ ही नहीं पाया, मतलब इतना कंफर्टेबल बाइक, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है,
जैसे मतलब मेरा जैसा मीटियर 350 वो भी कम नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक्चुअली रॉयल एनफील्ड का मैक्सिमम बाइक जो है कंफर्टेबल है। ओके, तो इस बाइक के बारे में बात करते हैं। ये क्लासिक 350 जो है नया वाला है, 349 cc का इंजन आपको देखने को मिलेगा और जो माइलेज है ये आपको 32 किलोमीटर देखने को मिलेगा। ओके, और इसका जो BSP है 20.2 BSP आपको देखने को मिलेगा और इसका वेट 195 किलोग्राम है। और इसका जो एक्सशोरूम प्राइस है ये 1,93,080 रुपीस ऑनवर्ड्स है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर R15 से भी ज़्यादा पॉपुलर ये बाइक हम कह सकते हैं, यामा का MT-15 वर्जन 2। इसको भी मतलब 4.7 रेटिंग मिला है और ये बाइक 155 सीसी का है, 18.1 BSP आपको देखने को मिलेगा और जो वेट है ये 141 kg है, जो कि सबके सब चला सकते हैं, पतला हो मोटा हो। लेकिन मोटा लोग इसको इसके ऊपर चढ़ेंगे तो इसका मतलब इतने बाइक जो बाइक का जो पावर है वो पावर आपको फील नहीं होगा, ये पतला लोगों का है। ठीक है, और शॉर्ट हाइट लोगों का भी ये बाइक सूट करता है। तो ये बाइक जो है एक्सशोरूम प्राइस की बात करते हैं इसका, ये 1,68,139 ऑनवर्ड्स है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक बजाज का पल्सर NS200 है जिसका 199.5 सीसी का इंजन आपको देखने को मिलेगा और इंजन का जो पावर है BSP वो 24.13 है और इसका वेट 160 kg है और इसका जो एक्सशोरूम प्राइस है ये 1,45,000 ऑनवर्ड्स है। ओके, नेक्स्ट लास्ट एक बाइक मैं इसमें मतलब इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, मतलब ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, एक बाइक, वो बाइक है TVS रॉनिन। ठीक है, ये 225.9 सीसी का एक बाइक है, इंजन का एक बाइक है। ठीक है, इसमें आपको 42 का माइलेज देखने को मिलेगा जो कि बहुत बढ़िया है, सही है, क्योंकि बाइक थोड़ा पावरफुल है। और इसमें आपको 20.1 BSP देखने को मिलेगा इंजन पावर और इसका जो वेट है वो 159 kg है और इसका जो एक्सशोरूम प्राइस है ये 1,49,000 ऑनवर्ड्स है। ओके, और भी बाइक है लेकिन जो जो मैंने इसमें कवर किया है ये बहुत सही है और इसमें इस बजट में आपको जवा का 42 जो बाइक है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मतलब इतना ही, और अगर आपको और भी कोई बजट का बाइक देखना हो कि जैसे कि 2 लाख से 2.5 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख, ऐसा कोई भी मतलब वीडियो देखना हो, बाइक अंडर 3 लाख कोई भी वीडियो देखना हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और आपको मतलब जितने भी बाइक कवर किया इसमें से कौन सा वीडियो मतलब कौन सा बाइक आपको सही लगा, कौन सा बाइक आपका ड्रीम बाइक है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर।